अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सामी कहानी और मेरा नाम है सामिया। और जिस जिसको भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसा होना चाहिए सब्सक्राइब का बटन। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपको एक दुम्बे और एक बकरी की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आपको मतलब तो बताऊंगी और हाँ आपको भी मतलब बताना है। पहले इससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो एक बकरी होती है और एक दुम्बा होता है। बकरी के बहुत सारे बच्चे होते हैं और बकरी बोलती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, बच्चों गेट मत खोलना। बच्चे बोलते हैं ठीक है अम्मी, हम गेट नहीं खोलेंगे। तो फिर एकदम से शीप हो जाती है और बकरी के बच्चे शीप से बहुत डरते हैं। एकदम से शीप आ जाती है और वो बोलती है कि बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। बच्चे बोलते हैं हमारी अम्मी की आवाज़ इतनी कड़वी नहीं है जितनी आपकी आवाज़ कड़वी है। वो बोलता है नहीं नहीं, हमारी आवाज़ तो मेरी आवाज़ तो इतनी कड़वी नहीं, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, खोलो खोलो। बोलते हैं नहीं नहीं, आप हमारी अम्मा नहीं हैं। तो वो बोलता है शीप, यार मैं तो उनको उल्लू नहीं बना पाया। तो फिर वो अपनी एक्टिंग करके वो जाता है उधर, मीठी आवाज़ करके वो उधर जाता है कि चलो अब मैं उसको उन लोगों को बुद्धू बनाऊँगा। बोलता है बच्चों खोलो खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप हमारी अम्मी नहीं हो सकती, आप अपना पैर दिखाएं हमें। बोलती हैं उनके पैर के नाखून तो बहुत बड़े होते हैं। तो वो बोलती हैं नहीं नहीं, आपके पैर के नाखून तो बहुत बड़े हैं। फिर उल्लू नहीं बना पाया, फिर से उल्लू नहीं बना पाता वो। फिर जाता है वो गुस्से से, वो बहुत गुस्से से आटे की दुकान पे जाता है और पूरा आटा अपने पैर पे डाल देता है, क्योंकि बकरियों के पैर तो सफ़ेद होते हैं ना, तो वो डाल देता है। फिर जब वो घर जाता है तो वो बोलते हैं खोलो खोलो बच्चों, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। फिर वो दरवाज़ा, बच्चे बोलते हैं कि अपना पैर दिखाएं। बोलते वो अपना पैर दिखाता है, तो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा अम्मी आप ही हैं, आए ना अंदर आए। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो शीप उनको खाने में जली जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि सब बच्चे कभी बैठ के नीचे, कभी कहाँ, पता नहीं किधर किधर छुप जाते हैं। तो शीप बच्चों को खा जाता है। इतनी देर में शीप बच्चों को खा के बाहर भी चले जाता है और पता नहीं किधर जाता है वो। तो फिर उनकी अम्मी आती हैं कि बच्चे, असली वाली अम्मी आती हैं, बोलते हैं बच्चों खोलो खोलो खोलो, बच्चे तो नहीं खोलते, अम्मी के पास चाबी होती है। अम्मी अपने पर्स में चेक करती है कि शायद मेरे पास चाबी हो। वो बोलते हैं कि हमारे पर्स, बोलते हैं हाँ मेरे पर्स में चाबी है, हैरत की बात है, लेकिन क्या बकरी के पर्स में चाबी कैसे है, सोचने की बात है। तो शीप बच्चों को खा के बहुत दूर चली जाती है। फिर उनकी मम्मा आती हैं और उनकी मम्मा बोलती हैं, उनकी असली वाली मम्मा आती हैं, वो बोलती हैं बेटा दरवाज़ा तो खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। तो बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते क्योंकि बच्चे तो शीप के पेट में होते हैं। तो वो बोलते हैं कि तो वो जब अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। अम्मी डर जाती हैं और अम्मी जो है वो बब्बन शेर के पास जाती हैं। वो बोलती हैं, बकरी बोलती है बब्बन शेर से, बब्बन शेर भाई मेरे बच्चे नहीं मिल रहे, आपने कहीं देखा है क्या? बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा, आपने क्या शीप को घर पे बुलाया था? मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, ज़रूर वही उसी ने मेरे बच्चों को खाया होगा। तो वो बब्बन शेर अंकल बोलते हैं कि अच्छा चलो पहले शीप को ढूंढते हैं, फिर उससे बोलते हैं कि आपके बच्चे किधर गए। शीप को उन्होंने ढूंढ लिया होता है, फिर वो बकरी के बच्चे किधर गए,
के वो तो मैंने खा लिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। ने बोला कि वो बच्चे के बकरी शीप के पेट में जो है वो बकरी के बच्चे जिंदा होते हैं तो इनका पेट काट देते हैं शीप का, उसमें से बकरी के बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम घर पे अकेले हों तो हमें देख के दरवाज़ा खोलना चाहिए, और अगर हमारे कोई भी हमारे साथ हो तो उनसे बोले दरवाज़ा खोले। अगर आप अकेले हों तो प्लीज़ दरवाज़ा ना खोलें, और नीचे से जाके अगर आपके घर में गैलरी लगी, गैलरी नहीं, आपके घर में अगर जाली लगी है तो प्लीज़ उससे देखें बाहर कौन आया है। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी अभी ख़त्म होती है, बाकी के साथ मिलते हैं कल। ओके टेटरी, बाय बाय, टाटा, सी यू। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और हाँ, अगर आपने सामी, अगर आपने मेरे चैनल को सामी कहानी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली स्टोरी में, तो इसके लिए टेक केयर, बाय बाय।